तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिला है। शिवराज सिंह चौहान ने तमाम विरोधी कयासों को गलत साबित करते हुए सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। 2018 को छोड़ दिया जाए तो शिवराज 2005 से मध्य प्रदेश में पार्टी को जीत दिलाते आ रहे हैं। इस बार तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत से साबित कर दिया है कि शिवराज अभी भी जनता के दिलों पर राज करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिला है। बीजेपी का राज कायम रखने में शिवराज सफल रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व, शिवराज की टीम और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत बीजेपी ने एमपी में शानदार प्रदर्शन किया है। शिवराज इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश की जनता को देते हैं। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की यह विजय है। मध्य प्रदेश में लगातार इतनी बड़ी सफलता की बड़ी वजह शिवराज की रणनीति और उनके काम करने का तरीका रहा। शिवराज सत्ता विरोधी लहर को पलटने में कैसे कामयाब रहे? मध्य प्रदेश में कमल खिलाने के लिए शिवराज सिंह ने जमकर मेहनत की। हर दिन 16 घंटे काम किया, जिसमें औसतन 8 से 10 रैलियां होती थी। शिवराज साल के शुरू से ही 1 जनवरी से 15 नवंबर तक 1000 कार्यक्रमों को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने 53 जिले में 53 महिला रैलियों को भी संबोधित किया। शिवराज ने इस साल करीब 1000 रैलियों को संबोधित किया। शिवराज ने जनता का मूड भांपने में अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। यही वजह रही कि उन्होंने वोटर्स का रुख सत्ता के पक्ष में मोड़ने में कामयाबी हासिल की और बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाने में कामयाबी हासिल की। इस बार की विजय बहुत बड़ी विजय है। ऐसा कहते थे लोग मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, कांटे की टक्कर, न कांटा मिला न टक्कर। एमपी में एक तरफ शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो उनके सामने कमलनाथ और दिग्विजय जैसे सियासी धुरंधर थे, लेकिन शिवराज के श्रम के आगे विपक्षी नेताओं की जोड़ी कमजोर पड़ती दिखी। शिवराज के सियासी रण कौशल की तारीफ विपक्षी नेता भी करते दिखाई पड़े। इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। शिवराज सिंह चौहान 2018 को छोड़कर मध्य प्रदेश में 2005 से 4 बार सीएम रह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवराज सिंह के लिए कौन सी योजना गेम चेंजर साबित हुई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बहनों और महिलाओं के लिए जिन योजनाओं को शुरू किया उसका लाभ पार्टी को मिला। इसमें नंबर 1 पर लाडली बहना योजना है, उसके बाद नारी सम्मान कोष, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उज्ज्वला योजना, स्कूटी योजना है। इन्हीं योजनाओं ने महिलाओं और बहनों का भरोसा जीता, जिसका सियासी फायदा बीजेपी को मिला। पूरे कैंपेन के दौरान आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। उसी प्यार और सहयोग के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। कुल मिलाकर शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की जनता का नब्ज, उनका मूड समझने में पूरी तरह सफल रहे। इस बार शिवराज जनता की अग्नि परीक्षा में भी पूरी तरह सफल रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ और कद्दावर नेता, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजय वर्गीय ने भी जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। कैलाश विजय वर्गीय तो इस जीत से बेहद उत्साहित है और 2024 में 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देश की राजनीति के अंदर
मोदी जी की राजनीतिक ऊंचाई का कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 400 से ज्यादा सीट पर जीतेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाया और साथ ही यह भी कहते रहे कि वो किसी पद के दावेदार नहीं है। सिंधिया लगातार बीजेपी की बड़ी जीत के दावे करते रहे जो सही साबित हुआ। मध्य प्रदेश में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि सीएम कौन बनेगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम पद के लिए कोई चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी पीएम मोदी को ही चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में कूदी और उसे जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन इसके साथ ही प्रदेश के कुछ बड़े चेहरे जिसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय की इस जीत में अहम भूमिका रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एमपी में पार्टी किसे सीएम पद की जिम्मेदारी देती है। टीम न्यूज़ नेशन।